नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे कोर्स के इस वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि एंड्रॉइड हैकिंग के लिए एडिटिंग करने के लिए एप्लीकेशन में कौन से टूल हमें विंडोज के लिए मिलते हैं। यहाँ पर गाइस आपको मैं दो टूल के बारे में बताऊंगा। ये दो टूल तो आपको इंस्टॉल कर लेना है अपने विंडोज मशीन में। यहाँ पर मैं आपको रेट्स वगैरह के बारे में नहीं बताने वाला हूँ। रेट्स वगैरह के हम बारे में जब जानेंगे, जब हम उसकी वीडियो कम्प्लीटली देखेंगे, हम उसे उसी टाइम सेटअप भी कर लेंगे और उसी टाइम हम उस रेट को भी यूज करके देख लेंगे। अभी फिलहाल में कैसे आपके पास दो एप्लीकेशन होना जरूरी है, दो सॉफ्टवेयर होना आपके पास जरूरी है। जो कि गैस जो पहला सॉफ्टवेयर है उसका नाम है गैस एपीके इजी टूल। इस एप्लीकेशन की मदद से या फिर इस सॉफ्टवेयर की मदद से हम एंड्रॉइड एप्लीकेशन को यहाँ पर डीकम्पाइल कर लेंगे, उसमें हम बाइंड कर लेंगे और उसमें हम थोड़ी बहुत एडिटिंग कर लेंगे इस एप्लीकेशन की मदद से। ये टूल जो है, ये जो सॉफ्टवेयर है वो आपको काफी हेल्प कर देगा। जब आप एप्लीकेशन को डीकम्पाइल करोगे, उसमें बाइंड करके दोबारा उसे कंपाइल कर लोगे, पूरा ग्राफिकली एप्लीकेशन है, काफी इजी हो जाएगा अगर आप इस एप्लीकेशन को यूज कर लेते हैं। ओके, इसके साथ साथ गाइस आपको एक और एप्लीकेशन, एक और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना है जिसका नाम होगा नोटपैड, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ सर्च करके। मेरे मशीन में ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर रखा है नोटपैड प्लस प्लस। ठीक है, नोटपैड आपको नहीं करना है गाइस, आपको करना है नोटपैड प्लस प्लस। ठीक है, ये वाला सॉफ्टवेयर आपको यूज कर लेना है। ओके, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ कहाँ पर वो सॉफ्टवेयर, मैं पर सर्चिंग में जाता हूँ। मैंने ऑलरेडी अपने मशीन के अंदर इंस्टॉल कर रखा है। ओके, अभी फिलहाल में ये दिख नहीं रहा है, तो मैं सिंपल से करता कि हमारे फाइल मैनेजर को मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। और फाइल मैनेजर को ओपन करने के बाद मैं यहाँ से अपना कोई भी टीएक्सटी फाइल ओपन कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसे ओपन कर लेता हूँ नोटपैड में, देख सकते हो, एडिट बाय एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस। तो ये भी सॉफ्टवेयर आपको अपने मशीन के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। दोनों सॉफ्टवेयर की हमें जरूरत पड़ेगी, इससे हम काफी ज्यादा अच्छी एडिटिंग कर पाएंगे। किसी भी चीज को हमें चेंजेस करना होगा एप्लीकेशन के अंदर, तो हम इजिली नोटपैड प्लस प्लस से रिप्लेस भी कर पाएंगे, उसे चेंज भी कर पाएंगे। तो ये जो दोनों सॉफ्टवेयर है इसको हमें काफी ज्यादा यूज आएंगे जब हम आगे कोर्स में वीडियो में प्रैक्टिकली करेंगे, तो इनकी हमें काफी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो इन दोनों सॉफ्टवेयर को आपको अपने विंडोज मशीन के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।